तरह से बार्गेनिंग चल रही है। दुल्हन को छोड़ के सहेलियां भाग गई खाने के लिए, बस इस खाने का मजा ही कुछ और है। इसमें भुनी हुई मिर्च मिलेंगी आपको। अभी हम वेट कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन की गाड़ी का। एक और नेगोशिएशन चलता हुआ फिर से। ये पहले गेस्ट बन के जाती है, फिर उनसे पैसे लेती है, तब चिप्स खाती है उनसे। इस औरत ने मेहंदी के दिन अपने बच्चे को सुलाया था। वो कह रही मम्मी डांस करना नहीं बेटा तू सो जा। उसके बाद खुद डीजे में आ गई। इतनी प्यारी कारीगरी है, ये ओल्ड फैशन चीजें हैं लेकिन। बार्गेनिंग चल रही है। अभी तक डिमांड अटकी हुई है नहीं 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 मारना नहीं है मानी मारना तुम्हारे कहां मारनी ड्रोन चल रहा है, बच्चे खुश हो गए नीचे। हम छोटे में ना हेलीकॉप्टर देख के खुश होते थे स्कूल टाइम पे, हम क्लास छोड़ के बाहर आते थे। यहाँ पे बच्चे ड्रोन देख के खुश हो रहे हैं। पत्थर मारा पत्थर, जोर से मारा। यहाँ पे फोटोशूट चलता हुआ, एंट्री से पहले का प्री एंट्री फोटोशूट है। घूमर रे, अरे बहाना गिरो कहीं बाय टाटा। दुल्हन की एंट्री होते हुए यहाँ पे कसम तेरी सहेलियां कहां गई? एक लड़का तेरे को लेके जा रहा है, तेरी सहेलियां कहां गई? दुल्हन को छोड़ के सहेलियां भाग गई खाने के लिए बस। अब देखो मैं लेके जा रहा हूँ इसे, क्योंकि रास्ता आगे थोड़ा सा खराब है। ठीक है, तो पहले इसे डिलीवर कर देते हैं पार्सल को, उसके बाद मिलते हैं। तो रसोईया जी यहाँ पे खाना बांटते हुए पंगत में लोग बैठे हैं। दो रसोईया जी खाने बांट रहे हैं। सबसे पहले आते हैं मीठे चावल, फिर आते हैं व्हाइट राइस जो नॉर्मल चावल होते हैं प्लेन राइस, उसके बाद आती है दाल,
तो अभी दाल बट रही है, मीठे चावल खा चुके हैं, ठीक है। इस खाने का मज़ा ही कुछ और है। इसमें भुनी हुई मिर्च मिलेंगी आपको, राजमा की दाल मिलेगी, जैसे ये यहाँ पे देखो दाल को देख, कलर देखना दाल टेस्ट देखना। सारे भूखे लोग पंगत में बैठ चुके हैं और एक भूखा आदमी वीडियो बना रहा है, क्योंकि खाना तो अपने टाइम पे आना है, तो कुछ टाइम यूटिलाइज कर ले। पिंकी हाय बोल दी। अरे मेहंदी लगाते हैं, ये सीक्रेट है कि ज्यादा खिलती है, पर अकेले में लगानी है, इसे 12 बजे से पहले लगा ली थी दीदी ने, रात को 2 बजे लगाई, 4 दिन पहले की, 4 दिन पहले की। टाइम हो रहा गाइस 4:44 PM और अभी चल रहे हैं फेरे, वहाँ पे लग रखा है मंडाण, सारे बाराती लोग वहाँ पे नाच रहे हैं, अभी फेरे चल रहे हैं, इसके बाद होगा दान और उसके बाद फिर रात प्रस्थान होगा। ये फोटो वाला ना सबसे लेट करवाता है, फोटो जरूरी हैं बट लेट भी नहीं वजह से होती है, ये वाला से ना हर एक फ्रेंड का मीना होता है, लेकिन जरूरी तो है ना, जरूरी तो फिर भी है, तो वही है, फोटो लेट करवा तो रही है लेकिन जरूरी तो है। तुम क्या फेंकने लगे बेड प्रकाश, यहाँ पे भाई होने का फर्ज अदा करते हुए कुछ गंदी शकल के लोग बीच वाले को देखो कैसे तो सेल्फी की मुंह बनाते बनाते खुद ही हंस गई हो। अरे रिंकी गुस्से में देख, कितने गुस्से में देख, कितने गुस्से में, बापरे। और वो बीच वाली लगी हो अपने में, पीछे से विक्रम और कुंदन आते हुए, विक्रम भी गुस्से में। लेवल 2 बार्गेनिंग फिर से चलती हुई, आपको क्लोज से थोड़ा सा लुक दिखाएंगे, हटो थोड़ा सा क्लोज से हम संवाद करेंगे। तो फिर से यहाँ पे बार्गेनिंग चल रही है, कितने कितने मांगे सर आपने, कितने मांगे आपने, बोले बोलो ना तभी तो मिलेंगे। 5,000 बस, 5,000 की उम्मीद की थी, उन्होंने नहीं दिए। महाराज प्रस्थान की तैयारी होने वाली है, अगले आधे घंटे में निकलने वाली है महाराज, अभी चल रहा है दान, अभी दान हो रहा है वहाँ पे, दूल्हा दुल्हन जो भी आपको दान देना है वहाँ पर दे सकते हो, पैसे कोई चीज़ देनी है आपको यहाँ पे वो दिया जाता है, रिवाज होता है, उसके बाद सीधा बिजारी है। विदाई का समय, बारात की बस में बैठ के मेरे साथ संजू भाई, आगे विक्रम और अनिल भाई बैठे हुए हैं। अभी बस रुकी है चंबा चौराहे से ऊपर, अभी ऊपर जाना बादशाही थॉल रोड पे, न्यू टेरी रोड पे जाना है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, कौन सा गांव है, सोनकोटी तल्ली में, ठीक है। मेरे साथ है ये लड़की जिसकी आईब्रो नहीं है, गौरी, सानू, पीछे खड़े हैं संजू भाई, विक्रम भाई, और ये हैं निम्मा और पिंकी, दो लोग अभी आने बाकी हैं, कुंदन और कुंदन हाथ बना रहा है, प्रकाश मालदार, सॉरी प्रकाश, ठीक है। तो अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये लड़कियाँ रखी है इस तरीके से देख लो, ठीक है। अबे ये ठंड से कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, ये दोनों भी लड़कियाँ सब ऐसी आई हैं, ठीक है। मैं आ रखा हूँ अपना पूरा प्रिपरेशन करके, ठीक है, मेरा सही है। अभी हम वेट कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन की गाड़ी का, बाकी सारी बसेज आ चुकी हैं, टैक्सी जितनी थी सारी आ चुकी हैं, दूल्हा दुल्हन की गाड़ी नहीं आई है और प्रकाश और कुंदन की बाइकें नहीं आई हैं,
ठीक है, तो अभी वेट हो रहे हैं। प्रकाश कुंदन की बाइक ये बड़ी प्रकाश दुल्हन की बाइक। अरे यार तो पिंकी है ना, पिंकी हिंदू। तभी तभी बारात प्रस्थान की तैयारियां होती हुई पहुंच चुकी हैं दूल्हा दुल्हन की गाड़ियां। गाड़ी अभी भी रो रही है। यहाँ से पैदल रास्ता है गांव के लिए, लगभग 1 किलोमीटर होगा आगे पे। जी ठंड का कोहराम बढ़ता हुआ। सोलर लाइट भी कंफ्यूज होगी, जलूंगी पूछूंगी। अभी इस वक्त घूमा डोली उठा रखी है मैंने, और ये मेरे आगे आगे डोल वाले चलते हुए ये शानू और ही दो बैग जा रहे हैं। पहाड़ की शादियों का फील ही अलग है। फाइनली दो भाई लोग भी पहुंच चुके हैं, सूर्य प्रकाश और पुन्नन सिंह। एक और नेगोशिएशन चलता हुआ फिर से, करो करो करो, कितने मांग रहे हैं? भाई मेट्रो कार्ड दे रहा है डेबिट कार्ड बोल के, यहाँ पे पैसों का डिस्कशन, तगड़ा डिस्कशन चलता हुआ। देखो ना चाय आ रही है, नमकीन बिस्किट वगैरह आ रहे हैं। ये लड़की अपना कोटा लेके आई है साथ में, इतना बड़ा पैकेट चिप्स है ये लड़की लेके आई है। चिप्स ये नहीं चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे। और आज हम अभी आए हैं धारा पूजन पे। ये पीछे धारा है, ये पीपल का पेड़ है, इसके जड़ों से शुद्ध ठंडा स्वच्छ पानी निकल रहा है। दो धारे यहाँ पे, धारा 1 धारा 2। ठीक है, ये पीछे कुछ लड़कियाँ खड़ी हैं जो पेइंग गेस्ट हैं। ठीक है, ये 11 रुपये लेके गेस्ट बन के जाती हैं। ठीक है, शादी में गेस्ट, ये मेहमान वेहमान कुछ नहीं, इन्हें पैसे मिलते हैं, ये गेस्ट बन के जाती हैं। ठीक है, ये ध्यान से देख लो इनकी शक्लें सबकी। अब पीछे चल रहा है कुसुम का शूट। मैं धारा पूजन में पहली बार देखा, अलग से शूट होता है। मैं जितनी शादी हुई है ना, मैं आते नहीं देखा, वो बाद में देखा अलग से। हाँ होता होगा। ठीक है, अभी इसके बाद होगा पूजन, इस पर कला वाला जो भी होगा इसको बांधेंगे उस पर। बाकी प्रकाश पिंकी ये दोनों जा चुके हैं, कुंदन और विक्रम जा चुके हैं देहरादून के लिए। ठीक है, हम ही कुछ चुनिंदे लोग छूट गए हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हमें छोड़ के चले गए, मतलब हम रिस्पॉन्सिबल हैं, बाकी लोग चले गए हैं जो फालतू के लोग थे। रख लो थोड़ा पानी में भी गया, कुसुम का तो जोर लगाया पर टेढ़ी हो गई। वीडियो कैसे क्या बालता बालते रही हूँ, बस उससे पहले देख लो से। इसका अलग से चार्ज करूँगा मैं। दूल्हा दुल्हन का फोटोशूट चलता हुआ। देखो सारे लोग इस चेयर के पीछे छुपे हुए हैं। ठीक है, सानू वहाँ पे बंदर की तरह बैठी हुई है, इधर उधर देख रही है, पता नहीं क्या ढूंढ रही थी देर से, इधर उधर इधर उधर, पता नहीं क्या देख रही हो तब से, ये अपनी शादी के बारे में सोच रही है कि रिचुअल्स कौन कौन से हैं, या फिर क्या देख रही हो, या वो चिप्स का पैकेट सोच रही है कब खाऊं। इन लोगों के पास ना चिप्स का पैकेट है, वो पता नहीं कहाँ से लेके आए, बीपरम से लेके आए, रास्ते में लिया इन्होंने। ये रात को इनको भूख लगी है, खोलने वाले थे रात के 3 बजे चिप्स का पैकेट। इन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं खोला कि उस रूम पर बहुत सारे लोग थे कि शेयर करना पड़ जाएगा, इसलिए इन्होंने चिप्स का पैकेट नहीं खोला है। ध्यान से देख लो इस लड़की को, यही है वो, ये पहले गेस्ट बन के जाती है, फिर उनसे पैसे लेती है, तब चिप्स का दिन पैसा।
आपको कैसे पता? देखो दो परेशान लोग, अब इन्होंने थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन चेंज करें, अब तक ऐसे तैसे मुंह लटका के बैठ रख के पेइंग गेस्ट। इस औरत को इसकी लड़की घर पे छोड़ रखी है, इसने शादियों में घूमना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है? कुछ नहीं है। इसने, इस औरत ने मेहंदी के दिन अपने बच्चे को सुलाया था, वो कह रही मम्मी डांस करना नहीं बेटा तू सो जा, उसके बाद खुद डीजे में आ गई कि बेटा इसके बाद मैंने हैंड ओवर ले लिया, तेरी मम्मी नाचेगी। फाइनली वो पल आ चुका है जब चिप्स का पैकेट खुल गया, कल रात से बहुत तड़प रहा था खुलने के लिए, अब खुल चुका है थैंक्स टू दिस लड़की एंड दिस लड़की। अबे अबे अबे, तो अभी चल रहा है गाइस लंच का टाइम, उधर रसोईया जी बैठे हैं तो उधर लोग खाना खा रहे हैं, तो अभी हम लोग पहले आ गए थे तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो कितनी प्यारी कारीगरी है, ये ओल्ड फैशन चीज़ें हैं लेकिन अभी भी इतनी पॉपुलर, इतनी सही सी चीज़ें हैं ना, ये लोग अब चीज़ें भूलते जा रहे हैं। पुराना घर है देखो, ऐसे होता था झुक के चलना पड़ता, पहले इनका रीज़न ये होता था कि ये देखो मेरी हाइट से ना ये मेरे कंधे से भी नीचे है, ठीक है। इसका रीज़न ये होता था कि बंदा झुक के जाता था, तो किसी के घर में तुम एंटर कर रहे हो ना तो तुम्हें झुक के जाना है, तो एक आदर होता था, एक सम्मान होता था, ठीक है। ये चीज़ें लुप्त होती जा रही है। देखो ये पठाली नुमा घर है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सीढ़ियाँ हुआ करती थी, मतलब है अभी भी होती थी, क्या मतलब पहले हमारे घरों में पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। तो हो चुका है भोजन, इस कढ़ाई में था मीठा भात, मीठे चावल, उसमें था वाइट राइस, उसमें थी दाल, तो अब सारे निमट चुके हैं, अब चल रहे हम घर की ओर। तो कितना सही व्यू होगा इस सरसों ही सरसों, फोटो खींचनी तुम्हारी। तभी हम जा रहे हैं आगे बुआ के घर, वो है बुआ, तो आगे बुआ का घर है, बुआ का ससुराल भी यही है, तो हम बुआ के घर जा रहे हैं, इन लड़कियों की फोटो खींचनी है सरसों के खेत में। धरती सुनहरी अंबर नीला, गला पूरा गंदी तरह से बैठा हुआ है क्योंकि यहाँ है ठंड, और कोल्ड ड्रिंक पी ली थी आती स्वागत में, तो कल से सबका गला बैठा हुआ है। तो ये बुआ का घर है, अभी ये बुआ दाल निकाल के लाई खेतों से, ठीक है। इस घर पे रहता कोई नहीं है, ये लोग आते हैं हफ्ते दो हफ्तों में, इनका मकान है बादशाही तौल में, तो जब खेत से कुछ लाना होता है तभी। तुम्हारा तो बेड बुड भी रखा है अपना? अच्छा कब इससे सेठ सुना? टाइम देखो अभी 3:00 बजे हैं, ठीक है। यहाँ पे चांद आ गया है, पता नहीं कैमरे पे दिख रहा नहीं दिख रहा, देखो चांद आ गया है। एक वहाँ मकान है, एक वो मकान है, वहाँ पे तो छानी हुआ करती थी जहाँ पे लोग सीजनल वाइज शिफ्ट हो जाते थे। आ जाओ भागो 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 भागो, घर की तरफ जा रहे हैं, ये फाइनली। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? मंदिर चलोगे? आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बोला? हे उसके साथ अच्छा है। कहाँ जा रहे हो आप? हम कुसुम एक बार वो करके देखा, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। कैसा फील हो रहा है कुसुम? अच्छा लग रहा है फाइनली। इस मोमेंट में कुछ इतने मोमेंट ऐसा है जो भी पहले भी किसी को मोमेंट है लेते कि मैं अपने घर जा रही हूं। कर खोदे कितने विचार किया रात में, जबरदस्ती घुस गई है, बिठा नहीं रहा था कोई, जबरदस्ती चूस तास के घुस गई है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बीपुरम घर की तरफ, घर का रास्ता, बहुत अच्छा फील हो रहा। ठीक है, तो कैसा फील हो रहा है आप सबको? बहुत अच्छा। अब हमें ठंडी लग रही है। कसम कनल्ला गणू, मुझे मम्मी के पास जाना है। तेरी मम्मी को भेज देते तेरे साथ कल। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, आवाज निकल नहीं रही है मेरी, ठीक है। अगर आपको किसी भी रीजन से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपना फेवरेट पॉइंट वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंगल टिकट, एक ही टिकट है, दुनिया घूम लो। बाय।
दादा आ चुके हैं बाहर, ढोलो से गए नाकामयाब, ताल इतनी देर से ताल नहीं आ पा रहा था, अब ताल आ रहा है। आपकी तरह डर लगी थी।